सो आज आप स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये टॉपिक कंपैरेटिवली आसान होएगा, छोटा भी है। क्यों? क्योंकि असि कुछ बेसिक टर्म्स के नाल फैमिलियर है ना। तो देखो हम जो मुत्र ये टॉपिक है, सो जो आप इन स्टार्ट कर रहे हैं तो थानू बेसिकली ये टर्म का फर्क पता हुआ, क्योंकि लोअर क्लासेस पढ़िया होया इंसुलेटर से कंडक्टर। इंसुलेटर वो सबस्टांसिस है जिन्हां दे कोल फ्री चार्जेस नहीं है, सारा ही चार्ज कह सकते हैं बाउंड है। बट जिहड़े कंडक्टर्स है इन्हां दे कोल बाउंड चार्जेस दे नाल नाल फ्री चार्जेस भी है। मतलब ये भी नहीं कह देना इको दम कि इंसुलेटर को कोई फ्री चार्ज नहीं है तो कंडक्टर को सारा ही चार्ज फ्री, इतना भी गलत हो जाएगा। तो कुछ चार्ज फ्री भी है, ठीक होगी गल। और फ्री चार्ज का मतलब है वो चार्ज जिहड़ा कंडक्टर दे अंदर मतलब सबस्टांस दे अंदर फ्रीली मूव कर सकता वा, उन्हों बिना छड़े हुए उन्हों लीव किए हुए, वो साडा कंडक्टर है। अच्छा, और कंडक्टर नू भी जो असि डिटेल दे विच स्टडी करते हैं तो अभी की कर लेने हैं पुत्र, एक टाइप वन कह देने हैं कंडक्टर, एक टाइप टू कंडक्टर्स बोल देने। जिहड़े टाइप वन कंडक्टर्स है उन्हां दे विच थोड़े मेटल्स आ जाते हैं मेनली, क्योंकि मेटल्स दे कोल जिहड़ा फ्री चार्ज है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे करके है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स दी फॉर्म च। पर जिहड़े टाइप टू कंडक्टर्स है इन्हां दे विच आ जांदे है इलेक्ट्रोलाइट, केमिस्ट्री पढ़े होने हैं, जिन्हां कोल पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयन। हम थानू इस डिस्कशन तो ये पता लग जाना चाहिए बेटा कि जेडे मेटल्स है उन्हां कोल तां एक तरह का ही फ्री चार्ज है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म च, पर जिहड़े टाइप टू इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टर है इन्हें तो अभी देख रहे हैं दो तरह का फ्री चार्ज है। तो मतलब ये नहीं समझना कि फ्री चार्ज सिर्फ नेगेटिव नेचर का ही होंगे या पॉजिटिव का ही होंगे, दोनों तरह का भी प्रेजेंट हो सकता है। इस तो इलावा जो असी ना ये स्टडी करते हैं डिफरेंट सबस्टांसिस की, तो ब्रॉडली तो आप इन्होंने दो कैटेगरी वंडते हैं इंसुलेटर से कंडक्टर। बट जो लेटेस्ट स्टडीज है उन्होंने दसिया कि एक तीसरी कैटेगरी भी होंगी है पुत्र जिन्हों सेमी कंडक्टर कहने, सेमी कंडक्टर सिलिकॉन से जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम वो सेमी कंडक्टर। तो जिहड़े सेमी कंडक्टर है उन्होंने भी करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी है,
बट कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल ने कंडक्टर्स के मुकाबले सेमी। तो जिहड़े सेमी कंडक्टर्स है तो इन्हां दे अंदर भी दो तरह के फ्री चार्जेस है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है प्लस होल्स। तो होल्स वास्ते एक नाम याद रखना हले, क्योंकि आपां लेटर ऑन लास्ट दे विच जाके टॉपिक आएगा सेमी कंडक्टर दा, डिटेल च भी पढ़ांगे। तो थानू पता की होना चाहिए कि जिदा सानू पता ना कि इलेक्ट्रॉन के उपर चार्ज होंगे नैगेटिव और वह मैगनीट्यूड ई है, बस उदा याद रख लो कि होल के उपर चार्ज प्लस है और ई है, मतलब होल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कह लो तो फ्री चार्ज है, इदा कह सकते हैं जब काम चल जाएगा। तो ये जी पूरी डिस्कशन है ये तुसी फिर वही रिपीट ही कर रहे हैं गल कि सानू आइडिया होने लगना चाहिए कि किसी भी सबस्टांस के अंदर अगर फ्री चार्ज है तो किसी विच हो सकता कि सारा फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म च ही हो जिदा कि मैटल्स है, पर कई फ्री चार्ज जोड़ा वा तो पॉजिटिव नैगेटिव फॉर्म च भी हो सकता वा। ठीक है, तो जिदा कि सेमी कंडक्टर है या टाइप टू कंडक्टर है। अच्छा, फिर कई बार ना साडे माइंड दे विच डाउट आंदा वा कि जिहड़ियां गैसेस है उहनां दे बारे साडा की विचार है। गैसेस कोई भी गैस होए तां अंडर नॉर्मल कंडीशन गैस इंसुलेटर ही है, पर जदों कोई भी गैस लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो गैस का प्रेशर बहुत घटाता तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाता 20,000 वोल्ट 40,000 वोल्ट इदा, तो वो गैस जो है दैट बिकम कंडक्टर, वो कंडक्टर बन जाती, जबकि नॉर्मल हालात च गैस इंसुलेटर है। पर जो गैस कंडक्टर बनती है पुत्र, तो उस गैस के अंदर दो तरह का फ्री चार्ज है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव आयन। ठीक है, थोड़ा आइडिया हो रहा? हम देखो बेटा, क्योंकि असी ना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक से आ रहे हैं, करंट का मतलब होंगे लिटरेरी फ्लो, टू फ्लो, फ्लो करना, करंट मीन इलेक्ट्रिसिटी मीन चार्ज, तो इलेक्ट्रिसिटी मीन चार्ज, करंट मीन टू फ्लो, तो चार्ज का फ्लो करना, तो फ्लो वही कर सकता जो फ्री हो, और जो फ्री चार्जेस है ना क्योंकि उन्होंने फ्लो करके ही करंट एग्जिस्ट करता इलेक्ट्रिक करंट, तो इस करके इन्हों करंट कैरियर्स भी कह देंगे। तो अगर मैंने कोई पूछे कि मैटल के करंट कैरियर केड़े है तो मैं कहूंगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन। जे मैंने कोई कहे इलेक्ट्रोलाइट के करंट कैरियर केड़े है, मैं कह दूंगा पॉजिटिव आयन से नैगेटिव आयन। जे मैंने कोई कह रहे गैसेज के फ्री इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव आयन, जे मैंने कोई कहे सेमी कंडक्टर के करंट कैरियर दसो तो मैं कह दूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन से होल। तो करंट कैरियर मीन वो फ्री चार्जेस जिन्हों के फ्लो करके करंट एग्जिस्ट करता है ना, तो ये सानू आइडिया हो गया। और ये पूरी डिस्कशन च सानू पता लग जाना चाहिए भी सेमी कंडक्टर के करंट कैरियर किहड़े है, फ्री चार्जेस किन्ने है, ते मैटल्स किहड़े है, ते
इलेक्ट्रोलाइट्स दे केड़े या गैसेस दे केड़े या प्लस जदों असीं इह गल कर रहे हां तां साडे दिमाग 'च इह गल हमेशा रहनी चाहीदी है कि करंट कैरियर दो तरह का भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नैगेटिव, है ना। एक क्लीयर हो गई साडे, पर आपां मेनली कंडक्टर्स दे नाल डील करना वा, इस करके करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। बट कई न्यूमेरिकल्स दे विच दो तरह का चार्ज आ जाएगा जिदे फ्लो करके करंट है ना, उत्थे ते थोड़ा जिहा सानूं अलर्ट रहना पएगा। तो गल नूं समझण दे लई है कोई मुश्किल काम नहीं है। हुण देखो बेटा, हुण सब तो पहला जदों असीं इलैक्ट्रिक करंट की गल करते हैं तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक करंट नू असी डिफाइन कितना करना, तो प्लस वन दे विच जदों असी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बारे पढ़ते सी तां असी की देखते सीगे कि जिदा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी नू असी दो तरह नाल डिफाइन करते सी। एक सीगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक सीगी एवरेज, है ना। उस मूवमेंट की वैल्यू इंस्टेंटेनियस, एवरेज का मतलब है फॉर टाइम इंटरवल। तो करंट नाल भी इदा ही है, ठीक है। और उसे तुम दसिया भी जे कला वेलोसिटी है तो इट मीनस वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नू असी बोल रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी भी पूरा नाम बोलिया जाता। इदा ही करंट बारे भी है कि वो जे कला इलेक्ट्रिक करंट है इट मीनस वो इंस्टेंटेनियस करंट की गल हो रही है, तो एवरेज करंट या मीन करंट बारे सैपरेटली बोलिया जाएगा। हुण ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ कि इस क्रॉस सैक्शन के विचों से 10 इलेक्ट्रॉन राइट नू पास किए, बस नाल टाइम भी पता वा, मान लो 1 सैकेंड, ठीक है। हुण इहदा मतलब आपां पता की कहांगे कि इस क्रॉस सैक्शन चो 1 सैकेंड के अंदर नैट किन्ना चार्ज पास किया, 10 इलेक्ट्रॉन करके 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पास किया, है ना, कह सकते हैं। तो हुण मान लो आ है दूसरी वायर, इहदे अंदर आपां की देखिया भी मान लो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 की जगह 20 भी कह लो, इन 1 सैकेंड पास किए, तां वी असीं कहांगे भी इत्थे की है नैट चार्ज पास किया वा, ठीक है, और नैट चार्ज नैगेटिव है। तो मान लो आ साडे कोल इक होर सबस्टांस है, उहदे च असीं की देखिया इदा पास किया, ठीक है। हुण अगर सानू कोई कहे कि इन्हां तीनों केसिस दे विच करंट है फ्लो कर रहा है, तो करंट का मतलब है किसी भी क्रॉस सैक्शन चो नैट चार्ज का फ्लो करना जरूरी है। हुण इत्थे नैट चार्ज किन्ना फ्लो कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन का, 10 नहीं कहना, 10E, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता ना ई, तो टाइम टेकन 1 सैकेंड ही है, तो इतने भी नैट चार्ज फ्लो कर रहा किधर नू, लेफ्ट नू, कितना 20, कितने टाइम च,
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੈੱਟ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਵਰਡ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕਰੰਟ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਉਹ ਡੀ ਕਿਊ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਔਰ ਮੀਨ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨੈੱਟ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕੀਤਾ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, ਤੇ ਉਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, ਕਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈੱਟ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਟਾਈਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ 20 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਲੋ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 20e, ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਨਸ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, 4-1, ਹੈ ਨਾ? ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਹੈ, ਔਰ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਟਾਈਮ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਮਪੀਅਰ ਹੈ, 1 ampere 1 coulomb ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਟ ਪੋਜੈਸਿਸ ਬੋਥ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਜ ਵੈਲ ਐਜ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਸਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਟ ਪੋਜੈਸਿਸ ਬੋਥ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्ज. The free charge is the direction that the है कितना. तो लिखो the direction of current will always be in the direction of flow of positive charges in the direction of positive charges in the direction of flow of positive charges or opposite to the direction of flow of नेगेटिव चार्ज. हूँ इतने देखियो पुत्र इतने किन्नी तरह के फ्री चार्जेस है इतने डायग्राम देखो किन्नी तरह के फ्री चार्जेस है इको ही है कौन है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ना. तो इस केस में विच करंट की डायरेक्शन किधर नु होएगी. तो आ है करंट की डायरेक्शन. ठीक है इस केस कितनी तरह के फ्री चार्जेस है तो किधर नु होएगी. हम आगे गल भी अपन कंफ्यूजन सी इतने किन्नी तरह के फ्री चार्जेस है दो एक इलेक्ट्रॉन्स है एक होल्स है पॉजिटिवली चार्ज होल्स है याद कर लेना. तो जेडे इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने करके करंट किधर को हो कला इलेक्ट्रॉन्स से फ्लो करके ते होल्स से फ्लो करके करंट एरा मतलब टोटल करंट होएगा कितना. आइए मतलब जिथे ना दो तरह के चार्जेस आ जाए ठीक है तो उठे की समझ जाना कि कल्ले कल्ले का करंट कढ़ के जे दोनों के करंट की डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड ऐड कर दियो तो जे ऑपोजिट होंगी तो डिफरेंस ले लेना. तो कंफ्यूजन नहीं होएगी. क्लियर हुई गल. अच्छा हम क्योंकि पुत्र थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है ठीक है इस करके जो भी आप टोटल करंट निकालना वा तो अलजैब्रिक सम लेना तो वैक्टर सम नहीं लैन लग पैना. तो नोट करके लिख लो आल्दो नोट करके लिखियो कई बार पूछ लेंगे एग्जाम च. आल्दो इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन but it is considered as scalar quantity because current
currents are added using currents are added using simple laws of algebra. Currents are added using simple laws of algebra. Vector नहीं कर देना पर लिख लिया. तो ये है रिगार्डिंग करंट के बारे है ना. हूँ एक गल होर सुनो पुत्र. देखो हूँ सानू करंट की डायरेक्शन मैगनीट्यूड के बारे थोड़ा आइडिया हो गया. हूँ जो सानू कोई कहना भी करंट कितनी तरह का होंगे तो लिखो टाइप्स ऑफ करंट. टाइप्स ऑफ करंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना. तो एक है पुत्र स्टेडी करंट. स्टेडी करंट जिसनों तुसी लोग कई बार डीसी डायरेक्ट करंट भी कह देने हैं. बट डायरेक्ट करंट नालों मोर एप्रोप्रिएट नाम स्टेडी करंट का वा एक्चुअली ठीक है. पर साडे लई चल जाएगा भी डीसी और स्टेडी इको चीज ही है ना. भी स्टेडी करंट वो करंट है जिसकी वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन थ्रू आउट कॉन्सटेंट रहती है. स्टेडी रहती है इको जी रहती है सेम रहती है तो उन्होंने असी स्टेडी करंट कहने. तो स्टेडी करंट का मतलब केड़ा करंट जिसका मैगनीट्यूड से डायरेक्शन कोई चेंज नहीं आती शुरू तो लैके एंड तक इको जी वैल्यू रही ठीक है. अच्छा हूँ एक गल सुनो जोड़ा स्टेडी करंट है ना जिन्हों आप नाम दूजा दिता डीसी डायरैक्ट करंट भी कह दें. बट एक्चुअली डायरैक्ट करंट का मतलब होंगे इको डायरेक्शन रहनी मैगनीट्यूड च फर्क आ सकता है. बट स्टडी का मतलब है भी मैगनीट्यूड भी फिक्स है मैगनीट्यूड च भी कोई चेंज नहीं है. हूँ जोड़ा स्टडी करंट है ये बारे हूँ आप गल करिए. देखो तो जरा हमें याद होएगा प्लस वन च ना आप एक टर्म पढ़ते सी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. फिर एक टर्म पढ़ते सी एवरेज वेलोसिटी. पढ़ते ही कि नहीं ये दोनों अलग अलग है बेसिकली क्योंकि दोनों कैलकुलेट करने का फार्मूला डिफरेंट है अप्रोच डिफरेंट है. पर जो असी मोशन के रिगार्डिंग गल करते तो आप कहने कि एक मोशन होंगे यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन च बेटा आप प्रूव भी किया कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन पोजेस कर रही है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ते एवरेज वेलोसिटी हमेशा सेम ही. तो मतलब यूनिफॉर्म मोशन च असी एवरेज ते इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नू इको रख सकते बराबर कह सकते हैं तो कोई फर्क नहीं है. उदा ही याद रखना जदों पुत्र साढ़े सामने स्टैडी करंट होएगा किड़ा करंट स्टैडी करंट तो स्टैडी करंट दे इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो एवरेज वैल्यू हमेशा सेम होएगी. हुण आ जिहड़ा यूनिट आप पढ़ रहे हैं एक करंट इलैक्ट्रिसिटी है ये सारा करंट ही स्टैडी है स्टैडी करंट ही है. ये दिमाग च बिठा लो इहदा मतलब हुण इत्थे जदों आप पूरे यूनिट च किहड़े करंट बारे गल करनी स्टैडी करंट बारे जिहड़ा करंट सैलियां बैटरी प्रोवाइड करती है उसी स्टैडी कह सकते हैं इदां मोटे तौर पर. तो जिहड़ा स्टैडी करंट है ना उहदे विच करंट दी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ते एवरेज वैल्यू हमेशा सेम होनी है. इहदा मतलब की होया कि आपां नूं अगर स्टैडी करंट दे बारे कहा जाए कि स्टैडी करंट है 5 एम्पीयर स्टैडी करंट 5 एम्पीयर इज फ्लोइंग. वैसे ही जे मैनूं कोई कहे 5 एम्पीयर करंट इज फ्लोइंग तो 5 एम्पीयर करंट कॉन्स्टेंट करंट है. तो
हूँ। अगर एक 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो ये स्टेडी करंट है, और अगर मैंने कोई कहे कि इस स्टेडी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर ही है। जो मैंने कोई कहे इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, वो भी 5 एम्पियर ही है। तो दोनों चीजें सेम ही है। तो एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट वैसे अलग अलग है, कंडन का फार्मूला भी डिफरेंट है, बट स्टेडी करंट भी दोनों सेम है। इस करके लिख लो फिर, लिखो की लिखोगे, स्टेडी करंट के बीच लिख लिया तुसी, एक हैज बोथ। हाँ, स्टेडी करंट वाले लिख लो, इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, इंफॉर्मेशन लिख लिया करो, है ना, लिखी हुई ने थ्रू आउट चलना, बोली वाली ने नहीं, सुनने वाली ने नहीं। ते नाल की लिख लो, सो हेयर इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू बोथ आर इक्वल सेम, और इस यूनिट आपा किहड़े करंट बारे, स्टडी करंट बारे ही गल करनी है। इस करके सानू इहदे च कोई ज्यादा फिकर करन दी नहीं लोड भी है, इंस्टेंटेनियस करंट है के एवरेज करंट है। ते नाल लिख लो, दिस करंट इज प्रोवाइडेड बाय सेल और बैटरी, सेल और बैटरी तो मिलता है करंट, ठीक है। लिख लिया। अच्छा फिर बेटा दूसरा करंट होएगा वेरिएबल करंट या वेरिंग करंट, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता, डायरेक्शन भी, दोनों भी। तो वेरिएबल करंट भी अगर दो तरह नाल आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हुंदा पुत्र ट्रांजिएंट करंट, एक हुंदा अल्टरनेटिंग करंट, जिन्हें एसी कह देने हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ट्रांजिएंट करंट वेरिएबल करंट है पर एक फ्लो बड़े थोड़े टाइमली करता, ते अल्टरनेटिंग करंट की खूबी है भी ए अपनी डायरेक्शन नू पीरियोडिकली रिवर्स करता रहता। हूँ साढ़े घर जी सप्लाई आ रही है वह कि है अल्टरनेटिंग करंट, हूँ ये जो अल्टरनेटिंग करंट है यदि की खासियत है कि जे यदि डायरेक्शन पहला इदा वा इस तरह तो थोड़ी देर बाद यदि डायरेक्शन इदा हो जानी, और जिनी देर बाद यदि डायरेक्शन इदा हुई उस तो उन्नी देर बाद ये वापस इदा हो जानी। ये अपनी डायरेक्शन नू पीरियोडिकली रिवर्स करता, ये बारे भी आप फोर्थ यूनिट च पढ़ांगे सैपरेटली, बट अज दे लई याद रख लिया भी वेरिएबल करंट दे विच अल्टरनेटिंग करंट भी आ जाता। हम ये जो तीनों करंट्स है अगर आप इन्हों एक ग्राफ के उपर प्लॉट करना चाहते हैं आता हो गया साडा स्टेडी करंट, पता लग गया क्यों स्टेडी करंट है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड दा ते डायरेक्शन फिक्स है। ते आ हो गया पुत्र साडा लाल वाला केड़ा करंट हो गया अल्टरनेटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो लाल वाला अल्टरनेटिंग करंट है, तो आ जड़ा ग्रीन वाला वा इन ट्रांजिएंट कह दें आप, है ना। स्टेडी करंट कहड़ा होंगे, हाँ तो स्टेडी करंट भी इंस्टेंटेनियस से एवरेज वैल्यू, और जड़ा स्टेडी करंट है वो कौन प्रोवाइड करता, सेल या बैटरी,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਸਟੱਡੀ ਗਰੰਟੀ। ਚਲੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਹ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਔਰ ਆਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਈ ਨੂੰ ਕਿਊ ਬਾਏ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਸਟੈਡੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਬਰਾਬਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਪੁੱਤਰ? ਦੇਖੋ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਐਨੀ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਸ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਡੀ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਡੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਡੀ ਟੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟੈਸੀਮਲੀ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਡੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਡੀ ਕਿਊ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ ਡੀ ਕਿਊ ਬਾਏ ਡੀ ਟੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੀ ਕਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜੋ ਆਈ ਡੀ ਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਡੀ ਕਿਊ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਡੀ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀ ਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀ ਟੂ ਤੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਲੰਘਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੀ ਵਨ ਤੋਂ ਟੀ ਟੂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਟੀ ਵਨ ਤੋਂ ਟੀ ਟੂ ਲਿਮਿਟ ਆ ਗਈਆਂ ਤੋ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਮੀਨ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਤੇ ਕਿਊ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏਦਾਂ
इट मीन्स कि आई बन गया, तो आई कौन है सिंपल के का भाई केड़े करंट का इंस्टेंटेनियस, स्टेडी नहीं इंस्टेंटेनियस। आई एम की है पुत्र एवरेज, तो ये दोनों करंट से बीच की आ गया रिलेशन आ गया, हमें समझ आई कि क्या बोलूं। आखिरा करंट का वो तो है ही है, इसका पूरा नाम भी है, वो भी हैगा वहाँ, है ना? इंस्टेंटेनियस करंट है, स्टेडी स्टूडी बोल जाना हल्ले, क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ ये नहीं तो स्टेडी ले दिखा पाँ, ये रिलेशन हेडिंग की ले गया। की रिलेशन है हाँ, तो उन इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज, मतलब जे मैं इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू पता हो तो मैं क्या एवरेज करंट दस सकता, तो वो अपना रिजल्ट कटिया वो किया। आप मान लिया कि क्रॉस सैक्शन च थोड़े टाइम डी टी कि चार्ज फ्लो किया डी क्यू, तो इंस्टेंटेनियस करंट बन गया डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू कि हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, जो आप इंटीग्रेट किया तो टाइम लिमिट्स के अकॉर्डिंगली वो चार्ज आ गया सारा, है ना? तो चार्ज की वैल्यू इतने फार्मूला पुट की थी आप रिजल्ट निकल आया। अच्छा हूँ देखो कंध गया सी स्टेडी करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो एवरेज वैल्यू की होंगी बराबर होंगी, है ना? प्रूव कर सकते हैं क्योंकि स्टेडी करंट का मतलब है आई की हो जाना कॉन्सटेंट, ये इंटीग्रेशन चो बाहर आ जाना T2 minus T1 ऊपर बन जाना, ये थल्ले भी कटे जाने I is equal to I है, समझ आई गल? अच्छा हुण इहदे उहदे बिहाफ ते हुण आपां अगे चलना वा ना, तो इस दा क्लैरिटी